Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Cookie the Brown Girl. I am Kajal Agnihotri. Welcome back to another vlog of Cookie the Brown Girl. So, आज की वीडियो के लिए हम जा रहे हैं लव लेन मार्केट और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी लोगों को मार्केट देखना बहुत पसंद है मेरे चैनल पे. सो अब हम जा रहे हैं लव लेन मार्केट मार्केट एक्सप्लोर करने और देखने की विंटर कलेक्शन वहाँ पे आया है तो कैसे आया है. विदाउट फर्दर चक चक लेट्स गेट इनटू द वीडियो और देखते हैं कि लव लेन में विंटर कलेक्शन आया है कि नहीं आया है और अगर आया है तो कैसा आया है. सो लेट्स गो. सो गाइस, हज़रतगंज जाने का सबसे इजी वे है मेट्रो. तो मेट्रो से अगर आप हज़रतगंज जाते हो तो आपको गेट नंबर 4 से उतरना है. गेट नंबर 4 से आप जैसे ही बाहर निकलोगे वहाँ पे मार्केट शुरू हो जाएगा. सो गाइस, गेट नंबर 4 से बाहर निकलते ही हमें ये स्टॉल दिखा जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स के 150 रुपीज़ में स्वेटर्स अवेलेबल थे. और इसके जस्ट एडजेसेंट साइड पे एक दूसरा स्टॉल लगा था जहाँ पे 200 के मिल रहे थे स्वेटर्स. सो वो 200 वालों की थोड़ी सी क्वालिटी बेटर थी बट 150 में डिज़ाइंस काफ़ी सारे अवेलेबल थे. और मैं ना कार्डिगन स्टाइल के स्वेटर्स काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी. मुझे ये वाला दिखा जो कि बहुत क्यूट था जिसमें पोल्का डॉट बनी थी और ये डार्क ब्लू कलर का था. ऐसे स्टॉल्स पे आपको काफ़ी पेशेंस के साथ मतलब ढूंढना पड़ते हैं कपड़े, लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी मिल जाते हैं यहाँ पे. जैसे ये रेड वाला आई थिंक क्रिसमस के लिए एकदम परफेक्ट है. ये भी 150 और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था. 150 में आपको ऐसे मिल रहा है यहाँ पे मतलब लखनऊ में, क्योंकि आपको दिल्ली में सरोजनी में तो ऐसे कपड़े मिलते ही रहते हैं बट लखनऊ में भी आपको हज़रतगंज में सब अवेलेबल हो रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, आपको ले लेना चाहिए. सो गाइज, ये रेड टॉप तो मुझे काफ़ी क्यूट लगा और उसके बाद मैंने ये वाइट स्वेटर देखा, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था बट इसका जो नेक था ना वो काफ़ी डीप था इसलिए मैंने ये वाला रहने दिया. फिर उसके एडजेसेंट स्टॉल पे मेरे को ये दिखे वुलन पजामास. इसमें बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट थे, बहुत क्यूट प्रिंट थे और कलर भी बहुत अच्छे अवेलेबल थे. सो गाइस, स्टॉल्स एक्सप्लोर करने के बाद हम आए शॉप्स की तरफ और पहली शॉप पे पहला स्वेटर दीदी को बहुत अच्छा लगा. इसका पैटर्न आप देख लीजिए, हाई नेक है प्लस नीचे एक बहुत ही क्यूट से फ्रिल दिए हुए है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. इस शॉप पे ये स्वेटर बता रहे थे ये वाला 450 का, बट ऑफकोर्स अगर आप बार्गेन करेंगे तो ये सही लगा लेंगे. सो फ्रेंड्स, वैसे तो विंटर कलेक्शन लव लेन में आ चुका है बट मेरा सजेशन ये होगा आप लोग को कि नवंबर के थोड़ा सा एंड में आप लोग लव लेन विज़िट करो अगर आप प्लान कर रहे हो विंटर शॉपिंग के लिए, क्योंकि अभी आ तो गया है विंटर कलेक्शन बट पूरी तरीके से आई गेस नहीं अवेलेबल स्टाइल्स और डिज़ाइंस. आप मेरी वीडियो देख के इन्जॉय कर सकते हो, देख सकते हो कलेक्शन कैसा है और अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो. बट मेरा सजेशन फिर से यही रहेगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, आफ्टर 15 to 20 days आप विज़िट कर सकते हो तो शायद अच्छा कलेक्शन आ जाए. प्लस ये वाला कोट मैंने शॉप पे देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके ही जस्ट पीछे एक पैरट ग्रीन कलर का कोट है, उसका भी स्टाइल और डिज़ाइन अच्छा लग रहा था. तो फ्रेंड्स, इस वाली शॉप पे ना काफ़ी कलरफुल कोट्स अवेलेबल थे और मतलब बहुत प्यारे प्यारे कलर्स अवेलेबल थे, जैसे येलो, लैवेंडर, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू. आप देख सकते हैं इसके पैटर्न्स कितने डिफरेंट हैं. और इस शॉप से हम लोग लेते भी रहते हैं कपड़े तो हमें पता है कि भैया यहाँ पे अच्छी खासी बार्गेनिंग कर लेते हैं. तो ये कितने की है जैकेट? ये वाला टॉप मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाला टॉप मुझे बहुत अच्छा लगता है. स्कर्ट के ऊपर ये ना, ये बहुत अच्छा लगता है और ये टॉप मुझे अच्छा लगता है. सो नीचे वाली शॉप्स में उतरते ही ये पहली शॉप पड़ती है राइट हैंड साइड पे,
जहाँ पे लेदर जैकेट्स अवेलेबल थी, क्वालिटी वाइज भी अच्छी लग रही थी, प्लस इनका रेट 950 था। लव लेन में फ्रेंड्स मुझे फाइनली एक शॉप मिल गई जहाँ पे फॉर्मल ब्लेजर्स अवेलेबल थे और इसका प्राइस ये 800 बता रहे थे, बट आई थिंक बार्गेनिंग करने पे 500 तक आ जाएंगे। फिर मैं गई शूज़ और हील्स की तरफ, फुटवेयर की तरफ। यहाँ पे शूज़, हील्स, फ्लैट्स अवेलेबल थी, प्लस रेनबो कलर की हील्स मैंने सुना है काफ़ी ट्रेंडिंग है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी। शेड्स बहुत ही प्यारे प्यारे थे, सो आप देख सकते हैं यहाँ का कलेक्शन। आपको हील्स यहाँ पे आराम से 300-350 तक ही मिल जाएंगी। सो गाइस लव लेन में खाली वेस्टर्न वेयर ही नहीं, इंडियन वेयर भी अवेलेबल है और इस शॉप पे मुझे सूट के प्रिंट काफ़ी अच्छे लगे। सो विद दिस वी कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस व्लॉग। आपको ये मार्केट व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी कुछ खास कलेक्शन नहीं आया इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाया है, बट जितना आया है मैंने उतना ही आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।